दोस्तों, हमारी पृथ्वी भूमि के विभिन्न टुकड़ों में बटी हुई है और इन टुकड़ों के मध्य में फैला है विशाल समुद्र। किन्हीं ऐसे दो देश जिनके मध्य में समुद्र की मौजूदगी है को आपस में जोड़ने के लिए समुद्री जहाज़ों की मदद लेना सबसे अधिक प्राचीन पद्धति है। माना जाता है कि मानवों ने 4वीं शताब्दी में ही समुद्री जहाज़ों का इस्तेमाल शुरू कर दिया था। वैसे वर्तमान समय हवाई जहाज़ों का है, परंतु फिर भी समुद्री जहाज़ों पर हमारी निर्भरता समाप्त नहीं हुई है, बल्कि निर्भरता और भी अधिक बढ़ गई है। समुद्री जहाज अथवा शिप कई प्रकार के होते हैं। इनका इस्तेमाल यात्रा हेतु, सैलानियों को घुमाने हेतु या माल ढोने हेतु किया जाता है। माल ढोने वाले शिप को कार्गो शिप कहा जाता है और हमारे जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए कार्गो शिप बेहद ही अधिक महत्वपूर्ण है। आज इन मालवाहक समुद्री जहाज़ों का इस्तेमाल पेट्रोल डीजल से लेकर हमारी भोजन की ज़रूरतों को पूरा करने वाले अनाजों तक के आयात निर्यात हेतु किया जाता है। यानी ये मालवाहक जहाज हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं और इसलिए जब भी कोई मालवाहक जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो हमें भारी नुकसान उठाना पड़ता है। तो चलिए आज के वीडियो में ऐसी ही कुछ बड़ी दुर्घटनाओं के बारे में जानते हैं जिनमें अप्रत्याशित रूप से ये मालवाहक समुद्री जहाज दुर्घटना का शिकार हो गए हों। वैसे यदि आपको इस चैनल पर आने वाले वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल से अवश्य जुड़े रहें। होयग ओसाका। दोस्तों, इस समुद्री जहाज यानी होयग ओसाका को वर्ष 2000 में सिंगापुर में निर्मित किया गया था और इसे वर्ष 2008 के दौरान होयग ऑटोलिनर्स कंपनी को बेच दिया गया था। यह मुख्य रूप से वाहन ढोने वाला जहाज था। 590 फीट लंबाई वाले शिप में 2500 से भी अधिक वाहन एक ही बार में भरे जा सकते थे। 3 जनवरी वर्ष 2015 को यह कार्गो शिप इंग्लैंड के हैम्पशायर से बेहद महंगी कारों के साथ साथ कुछ लग्जरी बसों को भी अपने साथ लेकर जर्मनी की ओर जा रहा था। होयग ओसाका करीब 19 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करते हुए थोर्न चैनल में प्रवेश करता है। इस चैनल में पानी काफ़ी शांत रहता है, इसलिए शिप की गति बढ़ाकर 22 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी गई। रात्रि के ठीक 9:09 पर होयग ओसाका ने एक बंदरगाह की ओर मोड़ लिया और उस मोड़ को लेते ही इस जहाज का संतुलन बड़े ही अनोखे ढंग से खराब हो गया। जहाज अचानक से पूरी तरह से समुद्र में एक ओर झुक गया, जिस कारण अपने स्थान पर रखी तमाम गाड़ियाँ और बसें लुढ़कने लगी। इन कारों में रोल्स रॉयस और बेंटले जैसी बेहद महंगी और लग्जरी कारें भी शामिल थी। चालक दल के 2 सदस्य भी समुद्र में गिर गए, जबकि 1 सदस्य बुरी तरह से जहाज की रेलिंग से टकराकर अपना एक हाथ और एक पैर तुड़वा बैठा। वहीं होयग ओसाका का प्रोपेलर यानी वो पंखा जिसके घूमने से शिप आगे बढ़ता है भी शिप के तिरछे हो जाने के कारण पानी से बाहर आ गया। खैर, कुछ अन्य ताकतवर समुद्री जहाजों से खींचकर होयग ओसाका को कुछ हद तक सीधा कर दिया गया और इसमें रखी गाड़ियां दूसरे समुद्री जहाजों पर लोड की गई। बाद में जब दुर्घटना के कारणों की जांच हुई तो पता चला कि शिप के चालक दल की कोई गलती नहीं थी, बल्कि गलती शिप को लोड करते समय हुई थी। असल में शिप में उस रोज 1400 कारों के साथ साथ 500 से अधिक बेहद भारी भरकम कंस्ट्रक्शन मशीनें भी सवार थी। गलती ये हुई कि हल्की कारों को शिप में पहली मंजिल पर, वहीं भारी मशीनों को दूसरी मंजिल पर चढ़ाया गया था, जिस वजह से शिप का ऊपरी हिस्सा निचले हिस्से की तुलना में अधिक वजनी हो गया। ऐसे में हल्का मोड़ लेने से ही शिप अपना संतुलन खराब कर बैठा। खैर, इस हादसे में किसी की जान नहीं गई, बल्कि पानी में गिरे चालक दल के सदस्यों को भी सकुशल बाहर निकाल लिया गया। एक्सप्रेस पर्ल। दोस्तों, एक्सप्रेस पर्ल एक सिंगापुर पंजीकृत सुपर इको 2700 क्लास कंटेनर मालवाहक समुद्री जहाज था। इस जहाज ने फरवरी 2021 में ही अपनी सेवाएं शुरू की थी और हैरानी की बात यह है कि करीब 3 महीनों बाद ही ये नष्ट हो गया। एक्सप्रेस पर्ल करीब 610 फीट की लंबाई रखता था और इसका संचालन एक्सप्रेस फीडर्स नामक बड़े समूह द्वारा किया जाता था। 20 मई 2021 को श्रीलंका के कोलम्बो तट पर एक्सप्रेस पर्ल में अचानक ही भीषण आग लग गई। इस समय इस जहाज पर 1400 से अधिक कंटेनर रखे हुए थे। इन कंटेनरों के भीतर सौंदर्य क्रीम बनाने के लिए कच्चा माल से लेकर 25 टन नाइट्रिक एसिड और कई अन्य तरह के केमिकल मौजूद थे। ये सारा सामान काफ़ी ज्वलनशील था। माना जाता है कि आग की शुरुआत नाइट्रिक एसिड के कंटेनर के लीक होने से हुई। ये कंटेनर कई दिनों से लीक कर रहा था और जहाज पर मौजूद चालक दल के सदस्य इस लीकेज को रोकने में असफल रहे। जब जहाज श्रीलंका के कोलंबो तट के निकट आया तो कुछ जानकारों को श्रीलंका से कंटेनर लीकेज रोकने के लिए बुलाया गया, परंतु जब तक एक्सपर्ट की टीम इस जहाज तक पहुँच पाती उससे पहले ही एक्सप्रेस पर्ल बुरी तरह से आग के लपटों में घिर गया। हालांकि 27 मई 2021 की देर रात तक श्रीलंकाई अग्निशमक कर्मचारियों द्वारा जहाज पर लगी आग पर काबू पा लिया गया और जहाज में फंसे 25 लोगों को भी सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, परंतु तेज हवाओं और ज्वलनशील केमिकलों के चलते बुझ चुकी आग एक बार फिर से भड़क गई और करीब 1 सप्ताह तक लगातार जलने के बाद आखिरकार एक्सप्रेस पर्ल 2 जून को समुद्र की गहराइयों में समा गया। डूबने से पहले इस जहाज में 1
के बाद एक कई तेज विस्फोट हुए। इन विस्फोटों से कोलंबो यानी श्रीलंका की पूरी राजधानी गूंज गई। माना जाता है कि उन विस्फोटों के कारण ही जहाज में एक से अधिक छेद हो गए, जिस वजह से एक्सप्रेस पर्ल का डूब जाना तय था। इस घटना को श्रीलंका इतिहास में सबसे खराब समुद्री आपदा माना गया था। जहरीले केमिकल पानी में घुल गए, जिस वजह से लाखों की संख्या में मछली एवं अन्य समुद्री जीव तुरंत मारे गए। करीब अगले 6 महीनों तक इस पूरे इलाके में मछुआरों द्वारा मछली पकड़ने का काम थम गया, जिस वजह से आसपास निवास कर रहे लगभग 10,000 मछुआरों के परिवारों को बड़ा आर्थिक नुकसान पहुंचा। एसएस सेंट्रल अमेरिका। दोस्तों, इस समुद्री जहाज को सोने का जहाज भी कहा जाता था, क्योंकि ये बड़ी मात्रा में अपने साथ व्यापार हेतु सोना एवं धनराशि लेकर चलता था। 280 फीट बड़ा ये जहाज साइड व्हीलर स्टीमर जहाज था, जो 1850 के दशक के दौरान मध्य अमेरिका और संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट के बीच संचालित होता था। इस जहाज पर सुरक्षा इंतजाम हमेशा ही कड़े होते थे, क्योंकि इस जहाज को विशेष तौर पर सोना ढोने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। किंतु चाहे सुरक्षा इंतजाम कितने ही बेहतर क्यों ना हो, कोई भी इंतजाम प्रकृति की असीम शक्ति के सामने नहीं टिक पाते। सितंबर 1857 में एक तीव्र तूफान समुद्र में उठा और एसएस सेंट्रल अमेरिका अपने 578 यात्रियों और 425 चालक दल के साथ साथ 13,600 किलोग्राम सोने को लेकर समुद्र में डूब गया। इतनी अधिक मात्रा में सोने का समुद्र में डूब जाना निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा नुकसान था। इसलिए एसएस सेंट्रल अमेरिका के साथ डूब चुके इस खजाने को समय समय पर खोजने की कोशिशें अनेकों लोगों द्वारा की गई हैं। माना जाता है कि इस जहाज के साथ डूब चुके सोने को अब पूरी तरह से बाहर निकाल लिया गया है, परंतु यह पक्का नहीं है कि यह सोना कब और किसने निकाला। वर्ष 1988 में रिसर्च साइंटिस्ट थॉमस ने इस खजाने को ढूंढ निकालने की मुहिम शुरू की। उसने कई सारे लोगों से करीब 100 करोड़ डॉलरों का कर्ज लिया और कहा कि खजाना मिलते ही वो सबके पैसे लौटा देगा। मिले कर्ज से थॉमस ने बेहतरीन अंडरवाटर रोबोट और पनडुब्बी तैयार की और कहा जाता है कि उसी वर्ष थॉमस के हाथ में करीब 400 करोड़ डॉलर का सोना लग गया, जिसे उसने गुपचुप तरीके से बेच डाला। जब कर्जदारों ने अपने पैसे मांगे तो थॉमस ने कह दिया कि वो सोना नहीं ढूंढ पाया, परंतु उसकी धांधली पकड़ी गई और अमेरिकी कोर्ट ने उसे ठगी के लिए सजा भी सुनाई। गोल्डन रे। दोस्तों, गोल्डन रे दक्षिणी कोरियाई शिप थी, जिसे ह्युंडई कार कंपनी इस्तेमाल में लाती थी। ह्युंडई के पास किया मोटर्स जैसी एक अन्य बड़ी कार कंपनी भी है और अपनी इन्हीं दो कार कंपनियों द्वारा निर्मित कारों को ह्युंडई मोटर्स गोल्डन रे शिप की मदद से यूरोप और अमेरिका भेजती थी। 660 फीट लंबे इस जहाज पर 7,500 से अधिक कारें एक ही बार में सवार की जा सकती थी। गोल्डन रे ने अगस्त 2019 को 3 बंदरगाहों से कारें लोड करके अपनी अंतिम यात्रा शुरू की। उस रोज इस जहाज पर किया और ह्युंडई के साथ साथ शेवरले एवं मर्सिडीज बेंज जैसी कई कंपनियों की कारें भी मौजूद थी। 8 सितंबर 2019 को जब एक लंबी यात्रा करके गोल्डन रे अमेरिका पहुंचने वाला था, तो ब्रंसविक बंदरगाह के निकट इस शिप का स्टीयरिंग सिस्टम खराब हो गया। शिप अचानक से एक ओर घूमने लगा और चालक दल लाख कोशिशें करने पर भी शिप को संभाल नहीं पा रहे थे। कुछ मिनटों बाद गोल्डन रे तिरछा हो गया और इसके भीतर पानी भरने लगा। इस शिप में मौजूद वाटर पंपों को चलाया गया ताकि पानी बाहर निकलता रहे, लेकिन गोल्डन रे फिर वापस सीधा नहीं हो पाया। शिप के एक तरफ पलट जाने के कारण शिप पर मौजूद चालक दल के 4 सदस्य ऑपरेटिंग रूम में ही फंस गए, जिन्हें बचाने के लिए इस शिप के पतवार को काट दिया गया। शिप के भीतर मौजूद सभी कार एक दूसरे से टकराकर पूरी तरह से डैमेज हो चुकी थी और गोल्डन रे से बहते तेल ने भी आग पकड़ ली, जिस वजह से शिप भी पूरी तरह से नष्ट हो गया। बाद में शिप को 8 अलग अलग हिस्सों में काटकर समुद्र से बाहर निकाला गया, किंतु इसमें सवार अधिकतर कारें जलकर राख हो चुकी थी। MV एवर गिवन। दोस्तों, मिस्र की स्वेज नहर एक कृत्रिम समुद्री जल मार्ग है। ये नहर इस मायने में भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस मार्ग के सारे 7,000 किलोमीटर की विशाल दूरी महज 300 किलोमीटर की ही रह जाती है, जिस वजह से इस मार्ग के सहारे समय और पैसों की काफ़ी बचत होती रही है। यही कारण है कि स्वेज नहर को दुनिया के सबसे व्यस्त जल मार्गों में शुमार किया जाता है। परंतु 23 मार्च 2021 के दिन एक बड़ा समुद्री जहाज, जिसे एम एवर गिवन कहा जाता है, तेज हवाओं की वजह से घूमते हुए स्वेज नहर में अटक गया था। एवर गिवन जहाज चीन से माल लादने के बाद नीदरलैंड के पोर्ट रोटरडेम जा रहा था। जिस रोज यह शिप स्वेज नहर से गुजर रहा था, उस रोज 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवाएं भी चल रही थी और इन हवाओं की वजह से यह जहाज अनावश्यक रूप से मुड़ गया। रेत के तूफान और तेज हवाओं के बीच फंसे 400 मीटर लंबे और 2,00,000 टन वजन वाले शिप को निकालना कोई आसान काम नहीं था। इस काम के लिए विशेषज्ञों की टीम ने 13 टग बोट्स का इस्तेमाल किया। टग बोट छोटी किंतु शक्तिशाली नाव होती है, जो
किसी बड़े जहाज को भी खींचने की क्षमता रखती है। इसके अलावा बचाव टीम ने ड्रेजर का भी इस्तेमाल किया था। ड्रेजर के सहारे जहाज के सिरों के नीचे से लगभग 25,000 से 30,000 क्यूबिक मीटर मिट्टी को खोदा गया। हालांकि इन प्रयासों से भी बात बनती नजर नहीं आई, इसलिए एवर गिवन से सामान उतारने के बाबत भी प्रयास शुरू करने की कोशिशें की गई। हालांकि सामान उतारने की जरूरत नहीं पड़ी। समुद्र में उठती ऊंची लहरों ने MV एवर गिवन को निकालने में मदद की और करीब एक सप्ताह बाद ये जहाज स्वेज नहर से निकलकर आगे बढ़ पाया। वैसे इस जहाज के फंसने के कारण 300 से अधिक अन्य जहाजों का भी मार्ग रुक गया। ये सभी जहाज MV एवर गिवन के निकलने का इंतजार करते हुए बीच समुद्र में रुके रहे, क्योंकि इन सभी जहाजों को भी स्वेज नहर वाले मार्ग से ही गुजरना था। यानी एक अकेले जहाज के फंसने से समुद्र में ऐसा ट्रैफिक जाम लग गया जिस जाम को पहले कभी नहीं देखा गया था। वैसे आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक भी कर दें, और यदि आपने अभी तक भी सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया है तो बिल्कुल भी देरी ना करें, सब्सक्राइब बटन दबाएं और चैनल से जुड़े रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।